क्या हाल है जी? तो थोड़ा बस जिसका टोटल बॉडी क्लीनिंग का प्रोग्राम चल रहा है उस पर भी काफ़ी काम बचा है, शुरू ही नहीं हो पा रहा है। बट आलस के चक्कर में थोड़ा, मगर आज इसका बस मैंने सोच लिया टोटल बॉडी वगैरह करके उसी पर काम करना है। तो बाकी तो मैं पहले एक वीडियो में डाल चुका हूँ किस किस तरीके से क्या क्या करना है। तो हमें ये वाला पैनल, ये साइड की फेयरिंग, ये टैंक, ये सब कुछ निकालना होगा, और ये वाले पैनल भी निकलेंगे। ये सारे वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, मगर फिर भी मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। और थोड़ा गंदी भी है बाइक, वो सब फिर एक बार काम हो जाए थ्रॉटल बॉडी वगैरह क्लीन, उसके बाद ही धोएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं शॉर्ट में बता दूंगा, ये सारे रिवेट्स निकलेंगे। ये 1 2 3 4 5 हैं इस साइड पे, एक ही आपकी एलन की खुलेगी। तो सबसे पहले खोल लेते हैं। रिवेट्स खोलने की टेक्निक भी मैंने बताई हुई है, छोटा वाला पेचकस लेके थोड़ा सा स्क्रू बाहर की साइड में करके, और फिर बहुत प्यार से किसी ऐसे और भी छोटे बिट से इनको ऊपर की तरफ खींच देंगे। बस एक का मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है, वैसे मैं लिंक में डाल दूंगा। ये आप देख रहे होंगे ऊपर आ गया है काफ़ी, और जैसे ऊपर आ जाता है अब तो खैर नाखून से ही उड़ जाएगा। बस ये ऐसे हमारा रिवेट बाहर आ गया, ऐसे में चलिए बाकी चारों भी निकाल लेता हूँ। तो ये 1 2, तीसरा इधर, चौथा आपका इधर, और पांचवा वो, ये पांचों निकल गए। अब ये खोलना है, बस ऊपर के सारे खुल गए हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये 1 2, ये 3 और ये 4 भी एलन की से ही खुलेंगे। सबसे पहले ये खोल लेते हैं। तो वो चारों खुल गए हैं, एक इनमें से लंबे वाला होता है जो हमारा इसमें जाता है। नेक्स्ट हम इस साइड पे आ गए। ये एक हमारा नॉर्मल स्क्रू है जो आपको दिख रहा होगा, और ये एक स्क्रू ये इधर है, इसको नहीं खोलना है, मगर इसके ऊपर यहाँ पे मैं भी उस साइड जाके या तो दिखाऊँ, मगर ये इस साइड पे एक रिवेट है तो वो वाला रिवेट खोलना है। तो चलिए ये निकाल लेते हैं। तो वो अंदर का ये ऊपर वाला रिवेट भी निकल गया, वो भी निकल गया, स्पार्कलो वाले मैंने बताया था। अब बस लास्ट अंदर वो जो क्लैंप है ये पीछे से दबा के हमारा निकल जाएगा, और अब हम फेयरिंग आगे की तरफ स्लाइड कर देंगे। नीचे का क्लैंप निकल गया था, बस ये हमारा आगे की तरफ स्लाइड हो जाएगा, और ये आगे ध्यान रखिएगा, इसको सीधा बाहर मत खींचेगा, वायर तो डिस्कनेक्ट करनी ही पड़ेगी खैर। और हमारी फेयरिंग बाहर है, अभी ऐसे उस साइड की निकाल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, ये जो पैनल दिख रहा है ये भी हमें थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा। ये एलन की सही है 4 नंबर की, वरना ये जैसे उस साइड का निकालेंगे गिर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूरा पैनल बाहर ही आएगा। ऐसा ही एक उस साइड भी है। जब आप ये लेफ्ट साइड का फेयरिंग खोलेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके की ये वायरिंग वगैरह सब दिखेगी, कोई इसमें टेंशन वाली चीज़ नहीं है। एक वही छोटा सा पेचकस लेके, ये जिप टाई से कनेक्टेड है सारी की सारी, इसको बस ऐसे दबा के और खींच लेना है। कैमरा गिर रहा है बट आसान है। ये जिप टाई को ऐसे गैप बनाना है, ये जो दिख रहा है यहाँ से मैं पेचकस दिखा नहीं सकता बेसिकली, और फिर ये आपकी ऐसे नहीं एंगल, मतलब समझ गए हैं, जिप टाई को काटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये ठीक है, ये जिप टाई को काटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके अगर हम इसको खींच देंगे जिप टाई को तो ये पूरी बाहर आ जाएगी आराम से, दबाए जाएंगे और खींचे जाएंगे। टाइम लग रहा है थोड़ा, और ये देखिए आप पूरी की पूरी बाहर आ रही है, और ये वायरिंग आ गई बाहर। बस अभी नेक्स्ट तो अपने सिंपल वाले जो इंडिकेटर के माउंट है यही रह जाएंगे जो हम निकाल लेते हैं। तो ये फेरी निकल गई है दोनों साइड की। अब सीट खोल के, ये तो आसानी है, और बाकी अब टैंक का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। नेक्स्ट अभी हमें चाहिए होगी ये 5 नंबर की एलन की बेट, और ये 10 नंबर का बेट। एक हमें एक तो ये वाला स्क्रू खोलना है, सॉरी नट खोलना है इधर भी उस साइड भी, और ये 5 नंबर वाली बिट काम आएगी ये इधर, और एक बिट इसके अंदर है, अभी मैं दिखा नहीं पाऊँगा, मगर इस तरीके से डाल के ये भी खुल जाएगी। तो चलिए ये खोल लेते हैं अभी। तो 5 नंबर वाली से अंदर वाले खोल लिए, इस साइड का भी उस साइड का भी। नेक्स्ट ये वाला हमारा खुलेगा, सॉरी 6 नंबर से, तो ये भी चलिए खोल लेते हैं। अगर आपने एयरबॉक्स खोलने वाला देखा होगा तो उसमें हम ये वाला खोल के काम चला रहे थे, पूरा लिफ्ट अप हो जाता था, मगर अब इस बार हम ये वाला सीधा खोल रहे हैं क्योंकि हमें पूरा ये असेंबली खोलनी है, पूरा एक्सेस चाहिए, तो उसके लिए हमें साइड वाली फेयरिंग भी खोलनी पड़ेगी। तो एक ये इधर स्क्रू है, एक ये इधर स्क्रू है, और नीचे की साइड में 2 रिवेट्स हैं। तो पहले ये 2 स्क्रू खोल लेते हैं। तो ये वाला
और ये वाला स्क्रू भी खुल गया। नीचे रिवेट्स देखते हैं, तो ये अगर आप देख पा रहे होंगे एक रिवेट ये इधर है और दूसरा रिवेट है हमारा ऊपर ये इधर। इनको खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दो रिवेट खोलने हैं। अब ये वाला रिवेट निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि हमने ये नहीं खोला था, मगर निकल जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। और बस ये निकलने के बाद ये इधर आपका अंदर की साइड पे एक ब्रैकेट दिया हुआ होता है और ये करके आपका ये भी बाहर आ जाएगा। चलिए ऐसे उस साइड का भी हम निकाल लेते हैं। बस ये निकालने के बाद हमारा ये जो 10mm का स्क्रू था ये खुल जाएगा इस साइड से भी उस साइड से भी। बस नेक्स्ट अब हमारा टैंक पूरा खुलने के लिए तैयार है। ये कुछ केबल्स वगैरह जो और ये जो होजेज हैं ये डिस्कनेक्ट करनी है। तो सिंपली प्रोसेस है, मैं वैसे बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये जैसे क्लैंप है ये ऐसे दबा के बाहर आ जाएगा, ऐसे ये पीछे की साइड में इंजेक्टर का कनेक्टर है और ये हमारी जो फ्यूल की होज है ये ऐसे करके खुलेगी दोनों साइड से और फिर ये भी बाहर खिंच जाएगा। लास्ट हमारा कनेक्टर बच गया है, जगह थोड़ी कम है मगर ये भी आ गया और हमारा टैंक अब उड़ गया है, निकाल देते हैं इसे भी। तो यहाँ पे AGM सब कुछ निकल गया है काफ़ी, और अगर आप देखेंगे तो ये वाला कमरा पूरा भरता जा रहा है मेरा। वो KTM की पड़ी हुई है पूरी, वो R15 का भी एक पैनल पड़ा है उसमें भी थोड़ा काम करा था, वो भी लगाना है, और ये बाकी सारा ये V3 का भी, हाँ वो थोड़ा बैटरी वगैरह भी है, थोड़ा अपने वो टूल किट है का भी ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। मगर अभी इसमें आगे बढ़ना, ब्रैकेट लूज़ कर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर बाहर आ गया, ये यहाँ से क्लैंप निकल जाएगा और ये हमारी प्यार से पूरी ब्रैकेट बहुत आराम से निकल जाएगी बाहर। और ये यहाँ पे भी हैं दो रबड़ के माउंट, एक ये और एक ये, और ये हमारी ब्रैकेट फ्री हो गई है। नेक्स्ट अब हम ये बैटरी डिस्कनेक्ट कर लेंगे, 8 नंबर का बिट लगता है। नेगेटिव सबसे पहले डिस्कनेक्ट करिएगा, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी बैटरी चेंज करनी है निकालनी है तो। बाकी अब हम पॉजिटिव वाला भी लूज़ कर सकते हैं इसको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके। हाँ जी, तो बैटरी निकल गई है। अब नेक्स्ट हम ये थोड़ा सा एयरबॉक्स लूज़ कर लेंगे, 10 नंबर का ये है, ऐसे 10 नंबर का उधर। तो ये हमने एयरबॉक्स लूज़ कर लिया है और अगर आप अब देख पा रहे होंगे तो ये जो है ये है हमारा 3 नंबर का एलन की, इसे लूज़ करना है, तो ये लूज़ कर लेते हैं। अब थोड़ा सा रबड़ को ऐसे स्क्रू ड्राइवर डाल के पीछे की तरफ स्लाइड करके थोड़ा आसान हो जाएगा काम, थ्रॉटल बॉडी वगैरह निकालने का। और ये हमारा जो होजेज वगैरह कनेक्टेड हैं ये थोड़ी सी लूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे एक एक क्लैंप देख रहे हैं आप, हाथ से हो जाना चाहिए। तो खैर ये आ गई बाहर, ऐसे ही एक ये भी है, ये भी निकल गया और हमारा एयरबॉक्स भी बाहर है। अब आगे हम आसानी से काम कर सकते हैं, काफ़ी जगह बन गई है। इस पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे थोड़ी सी पेंटिंग ब्रश वगैरह हो तो काफ़ी काम आती हैं, थोड़ा यहाँ से डस्ट वगैरह निकाल लें। इसके तो टेंशन नहीं है क्योंकि ये तो हम अभी निकाल के पूरी साफ़ कर ही देंगे, मगर अगर इसको निकालते हुए हेड के अंदर कुछ चला गया गलती से तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा बस ऐसे ही ब्रश वगैरह से जहाँ जहाँ से जो भी डस्ट वगैरह हम निकाल सकते हैं ये थोड़ा सा निकाल लेना बहुत ही बढ़िया रहता है। होजेज वगैरह को भी थोड़ा अलग कर देते हैं। चलिए मैं कर लेता हूँ अभी। तो ये मैंने काफ़ी साफ़ कर लिया, आप देख रहे होंगे, बस अब बाकी है थोड़ा सा हमारे को ये वायर्स वगैरह डिस्कनेक्ट करनी है, ये होजेज वगैरह ते हैं। ये यहाँ पे हमारे एलन की दी हुई है, तो नेक्स्ट ये वाली एलन की खोलनी है, एक ऐसे इधर है और एक ऐसे ही इसके नीचे उस साइड पे है। तो ये निकाल लेते हैं, ब्लैक कलर की हैं दोनों, दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 नंबर की हैं ये। और ऐसे ही ये इसके बिल्कुल नीचे, चलिए खोल देते हैं। तो वो मैंने थोड़ा सा लूज़ कर लिए हैं, इस टाइम पे हम ये थोड़ी सी जो हमारे ये इलेक्ट्रिकल क्लैंप्स हैं ये अब निकाल लेते हैं, वरना बाद में ये दिक्कत करेंगे। प्रोसीजर सेम ही है, यहाँ पे एक बटन सा दिया हुआ होगा उसको दबा के पीछे खींचना है, एक आध थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकता है बट आ जाएंगे आसानी से बाहर। ये आ गए हैं। नेक्स्ट हमें एक्सेलरेटर की जो हमारी वायर्स हैं ये निकालनी है, तो 10 नंबर का स्पैनर लेके इसको हम थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, थोड़ा क्या मतलब बिल्कुल ही लूज़ कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये वायर हमारी इस क्लैंप में से बाहर आ सकें। चलिए मैं लूज़ कर लेता हूँ। तो इसमें दो होती हैं, तो एक तो ये निकल गई है
अब ऐसे ही मैं पीछे वाली भी 10 नंबर से ही लूज कर लूँगा। शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे, मगर आप जब कर रहे होंगे तो आपको दिख जाएगा, आसानी है। चलिए मैं इसको भी लूज़ करता हूँ। तो ये दोनों लूज़ कर लिए हैं और ये भी बाहर आ गई, ये भी बाहर आ गई है। अब आपकी ये जो केबल थी ये भी आसानी से निकल जाएगी। और ऐसे ही ये वाली पीछे वाली केबल भी, साइड से आप देख सकते हैं, इस साइड से देख के दोनों केबल आपकी आसानी से निकल जाएंगी। बस अब ये जो हमने थोड़े से लूज़ करे थे इनको अब हम पूरा खोल ही लेते हैं। ये वाले ये क्लैंप खोल जाएंगे अब, और एक ऐसे वो नीचे वाला भी पूरे लूज़ करके इनको पूरा बाहर निकाल के हमारी थ्रॉटल बॉडी फ्री हो जाएगी। थ्रॉटल बॉडी लूज़ हो गई है, लास्ट एक क्लैंप बचा हुआ है, इसको बस निकाल लीजिए। और ये आपका दूसरा एलन की भी बाहर आ गए, दो एलन की आ गई हैं। और ये है जी आपकी थ्रॉटल बॉडी। हाँ, थोड़ा गंदी हो रखी है, सही टाइम था साफ़ करने का। ये है इनटेक वाली साइड जो एयर फिल्टर में जाती है, और ये है आपकी साइड जो आगे इंजन में जाती है। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, अभी आगे का देख लेते हैं एक बार। देखता हूँ इसको, शायद पार्ट को यहीं पे ख़त्म कर दूँगा, नेक्स्ट इंजेक्टर निकालने का करते हैं। ये एक पॉइंट है बस, जब तक आपकी थ्रॉटल बॉडी अंदर है अब बेस्ट है कि ये जो इंजेक्टर का असेंबली है इसको भी यहाँ पे लगे लगे ही खोल लें, दोनों हाथ चाहिए होंगे। तो चलिए मैं भी करता हूँ। हाँ जी, तो इसमें शायद इन्होंने लॉकटाइट वगैरह कुछ लगा रखा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगी है इसे खोलने में, मगर खुल जाएगा हाथ से, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो अब ये फ्री हो गया, तो अब ये नीचे वाले जो दो हमें दिख रहे हैं, एक इधर एंड की है और ऐसे एक उधर एंड की है, इनको खोल के इसे भी बाहर निकाल लेते हैं, और ये वायर भी डिस्कनेक्ट करनी होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा बच गया बस ये इंजेक्टर बॉडी निकालने के लिए, ये एक आपकी एलन की दिख रही होगी ये वाली, और ऐसी एक इधर वाली, और ये भी हमारी 5 नंबर की ही हैं। तो अब इनको बस लूज़ कर लेते हैं, 5 नंबर आसानी से ये भी अब हमारी निकल जाएंगी। तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं। तो ये लूज़ हो गई है हमारी। अब ये ब्रैकेट है एक, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये जो आपको दिख रही होगी ये मैं निकाल के साइड में रख रहा हूँ। फिर ये दो हमारे प्यारे से स्क्रूज़ हैं, अच्छे निकल नहीं रही है, चलिए कोई नहीं। और ये है हमारा मेटल का एक इलेक्ट्रिकल क्लैंप फ्यूल इंजेक्टर के लिए। ये डिस्कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इन्होंने टेप वगैरह लगाई हुई है, बट हो जाएगा। तो ये इसके लिए मैं एक थोड़ा सा प्लायर यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और ये निकल गया मगर। तो ये आ गई है हमारी थ्रॉटल का जो इंजेक्टर होता है, ये भी बाहर। तो बस चलिए अब इसको साइड में रख लेते हैं। तो ये अब है हमारी जो टैंक से फ्यूल इंजेक्टर के लिए होज आ रही होती है, इसको डिस्कनेक्ट करना, वही सिस्टम जो मैं इसमें बता रहा था उस टाइम मैं बता नहीं पाया। ये इस तरीके से जाके ऐसे क्लैंप हो जाता है, तो बेसिकली हमें को इसको ऐसे खोलना है दोनों साइड से दबा के। जब ये खुल जाता है तो ये आप पूरा बाहर भी निकाल सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है मेरे को तो कम से कम। तो ये हम पूरा बाहर निकाल लिए, और ये निकालने के बाद ये जो है हमारा प्लास्टिक वाला पार्ट, इसको हम थोड़ा सा ऐसे ओपन करके उंगली से, इसी वजह से इसका टैंक निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा ओपन करके और इसको अब हम बाहर खींच लेंगे। आप देख रहे हैं थोड़ा ओपन करके बाहर खींचा और अभी बाहर आ गया। तो ये होती है टेक्निक इस साइड से, जब टैंक में होता है तो उसे भी खोलने की। तो ये हो गया जी हमारा थ्रॉटल बॉडी, देख रहे हैं आप, अभी थोड़ी सी चमक जाएगी, कोई नहीं। और ये हो गया हमारा इंजेक्टर बॉडी।